अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी रईसा आज़म। और आज जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वोकेशन टास्क फॉर ग्रेड 6। और आज के वीडियो में आपको सारा एक टास्क जो रिटन वाला है वो ऑलमोस्ट सारा मिल जाएगा। कुछ एक्टिविटीज़ मिलेंगी और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है एक्टिविटीज़ वाली, जिसमें मैंने आपको डिटेल से हर एक चीज़ बताई हुई है। रिटर्न वर्क के जितने भी पेजेस हैं वो मैंने सारे आज की वीडियो में आपको दिखाए हैं। और मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि मैं ऊपर से आपको टॉपिक और नीचे से पेजेस भी, पेज नंबर भी आपको दिखा दूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक कौन सा वीक चल रहा है और कौन सा पेज जो है वो कौन सा नंबर चल रहा है पेज का। इसके अलावा जितने भी मुझे कमेंट्स आए हुए थे वो सारे पेजेस मैंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत थोड़े से पेजेस हैं जो मैंने आज के इस वीडियो में नहीं कवर किए हैं। अब तो काफ़ी सारे बच्चों ने काम सबमिट भी करवा दिया होगा, और जिन्होंने नहीं करवाया या जिसने नहीं किया तो ये वाली वीडियो देख के वो पूरे का पूरा काम लिख भी सकता है, अगर लिखा भी नहीं है आपने अभी तो। यहाँ पे जो काम है वो आपको थोड़ा सा तेज स्पीड में नज़र आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि जो पेजेस आपके हो चुके हैं उसको तो उधर जाने दें, जो पेजेस आपके नहीं हुए हुए आप उन्हें उस वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से वो लिख लेने हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैंने इतनी लंबी तो वीडियो बना दी है अब आपके लिए। एंड होप सो ये लास्ट वाली वीडियो होगी जो मैं वेकेशन टास्क पे बना रही हूँ। वैसे मेरा इरादा था कि इस मंथ से मैं ना स्टार्ट करूँगी ग्रामर के कुछ रूल्स और बेसिक ग्रामर आप लोगों को सिखाऊंगी, फिर इसके बाद हम मास्टर्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एमए इंग्लिश की पार्ट 1। सो उसके लिए थोड़ी सी एडवांस ग्रामर भी सीखेंगे। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाले पेजेस हमारे कवर नहीं है तो फिर हम कैसे करें, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से वीडियो बनाने का सोचा कि आपको मैं काफ़ी हद तक ना सारा दिखा दूं, जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूं वो मैं सारा ही आपके लिए कवर कर दूं। तो आज की वीडियो में ऑलमोस्ट सारा ही काम आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है कि आप इतना कुछ किया है। तो एंड वाले पेजेस जो एक दो रह गए वो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल एक ही पेज है जो आपका नहीं हुआ हुआ तो आप बाकी लास्ट वाली वीडियोस जाके देखें। मैंने पहले जो लेक्चर्स हैं उनको काफ़ी मैंने डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में, आप पार्ट का नंबर जाके सर्च करेंगे या फिर जो आपका मेन टॉपिक है उससे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वीडियोज़ मिल जाएंगी सारी की सारी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला है, आपसे नहीं ढूंढी जा रही, आपको नहीं मिल रही कोई चीज़, कोई पेज नहीं मिल रहा, तो फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे। मेरी पुरानी वीडियोस में मेरी आईडी मेंशन है, तो उधर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर वहाँ पे दे दूँ। अगर एक दो पेजेस हुए तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे 8-10 पेजेस भेज देंगे, आप ये मुझे हल करके दे दें तो फिर ये मेरे लिए भी मुश्किल है, बिकॉज मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, फिर साथ साथ इस तरह की वीडियोस बनाना मुश्किल है और इंडिविजुअली रिप्लाई करना सबको बहुत टफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी का एक पेज है या कोई क्वेश्चन है, कोई एक आध पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको इंस्टा पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी, और मैं आपको उसकी पिक्चर अवेलेबल हुई तो वो भी दे दूंगी, और अगर कोई वीडियो है तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का पॉइंट है जो सिर्फ मैसेज पे ही समझ आ जाएगा तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ लें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ और काफ़ी ट्राई भी करती हूँ कि सारों को मैं रिप्लाई भी कर सकूँ। कोई ऐसा कमेंट होता है जिसको मैं इग्नोर कर देती हूँ। इसी साथ साथ ये सारा काम आपको मिल रहा है इंग्लिश का, फिर आगे मैथ का और उर्दू का भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एक्टिविटी वाली वीडियो में मिलेंगे। कुछ को मैंने ट्राई किया कि मैं इधर दिखा दूँ, लेकिन फिर वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि ये वाली ये मैंने ओपन की है, अब आपको यहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं।
अपने क्या करना है, एक्टिविटी वाली वीडियो जाके देख ले। वहां पे काफी डिटेल में हर एक चीज, कैसे कटिंग करनी है, क्या लिखना है, कौन से पार्ट में क्या है, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने करना ये है कि इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी कर दें अगर आपका दिल कर रहा है तो। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में देखना चाह रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, टेंसेस से रिलेटेड आपको चाहिए, या फिर आपको ये दायरे रकम का डेली का जो वर्क है मीन्स के यूनिट वाइज आपको काम चाहिए, तो फिर आप मुझे ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी तक तो ये इंग्लिश का ही काम जा रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, जिनका हुआ हुआ है वो एक दफ़ा से इसको रिव्यू कर लें, और जिनका नहीं हुआ हुआ वो अच्छी तरह से इसको स्टॉप करके लिख लें। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है वीक 5, और पेजेस के नंबर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे वीडियो के अंदर, तो फिर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पेज पे क्या काम लिखना है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज को इस तरह से जो थी उनको खोल के भी बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अगेन आपसे यही कहूंगी कि आप जाके एक्टिविटीज वाली वीडियो चेक करें, स्पेशली जो मैथ के लिए हैं वो आपको वीडियोस में मिलेंगी, लास्ट वाली जो है उनमें। आज की वीडियो में सिर्फ रिव्यू है कि आप वो सारा काम देख लें कि आपका हुआ हुआ है, कोई पेज रह तो नहीं गया। आज की वीडियो भी काफी लंबी है, और ये वाला जो पेज था इस पे 2 बुक्स मेंशन हुई हैं, एक तो पंजाब टैक्स वाली और दूसरी काउंटडाउन। तो आपने देख लेना है कि मुख्तलिफ एरियाज में काउंटडाउन भी पढ़ाते हैं, और कुछ एरियाज में पंजाब वाली पढ़ाते हैं, तो अगर आपको पंजाब वाली पढ़ा रहे हैं तो आपने पंजाब वाला काम करना है और वो आपने शीट्स पे लिखना है। सेकंड, काफी सारे ब्रांचेज में काउंटडाउन वाली बुक जो है वो स्टार्ट हुई हुई है, तो आपने वो वाला काम भी शीट्स पे ही लिखना है, सारे यूनिट और एक्सरसाइजेज मेंशन है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे पास वो काम ही नहीं हुआ, वह हमें नहीं करवाया, तो वो आपके टीचर्स ने आपको मैथ की कॉपीज पे करवाया होगा, और अगर नहीं करवाया हुआ तो आप मुझे नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे आपके लिए बना दूंगी। वैसे मेरी तरफ से ये 6th क्लास के लिए लास्ट वीडियो है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई काम रह जाता है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, आप बता सकते हैं, और मैं 100% ट्राई करूँगी कि मैं आपका सारा काम कवर करवा सकूँ बेस्ट पॉसिबल वे में। ये नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है उर्दू का, और जो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था बहुत थोड़े से पेजेस मैंने दिखाए हैं, बिकॉज उर्दू का काम बहुत आसान था। इसमें ये रात का मंजर था, या शायद ये जो पीछे पोइम थी उसमें से मंजर बनाना था, तो वो मैंने बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे था कुछ हम काफिया और दीप वगैरह, ये भी ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसलिए मैंने ये आपको अगेन दिखा दिया। इसके अलावा ये वाला जो था ये भी मैंने आपको दोबारा दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये नहीं लिखा हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का पेज नंबर 55 और 56 क्लियर नहीं था, तो वो वाले ही पेजेस मैंने ऐड किए हैं। फिर इसके अंदर उर्दू के मैंने बहुत सारे पेजेस ऐड नहीं किए, जो बहुत इजी काम था वो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप मेरी स्टार्ट की वीडियोस जो उर्दू पे बनी हुई हैं वो आप जाके देख लें, तो वहां पे आपको सारा काम मिल जाएगा। जो मेन मेन पार्ट्स थे मैंने वो यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर दिखा दिए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से सारा कुछ क्लियर हो जाए। जिन लोगों का बाकी का काम हुआ हुआ है, सिर्फ 1-2 पेजेस रह गए हैं, तो फिर उनको मसला होता है इतनी लंबी वीडियो देखने में और मेरा लेक्चर सुनने में।
सो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही इसमें कवर कर सकूं। वैसे मैथ और इंग्लिश के मैंने सारे ही पेजेस ऐड कर दिए हैं। तो ये आ गया है पेज नंबर 55, और इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 56, जो कि आपको मैंने काफ़ी क्लियर करके यहाँ पे अब दिखा दिया है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ ही हमारा आज का जो टास्क है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट आपने किस टास्क पे क्या चीज़ देखनी है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और इसके साथ ही आप होप्स हो आपका टाइम अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।